हेलो नमस्कार दोस्तों, नवीन टंटा एम एक्सेल वीबीए चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ एक एक्सेल असेसमेंट को डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी साथी एमआईएस या डेटा एनालिटिक्स की लाइन में करियर परस्यू करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो के एक एक सेक्शन को आप शुरुआत से लेकर एंड तक की जरूर देखिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन में, मेरे पास 8 क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट 8 क्वेश्चंस सिनेरियोस दिए गए हैं, जो कि हर कंपनीज में इसी तरीके के सिनेरियोस पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन इन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पुल कोऑर्डिनेटर बाय यूजिंग वी लुकअप एंड नेम ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग इंडेक्स मैच ऑन शीट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन वन नाम की मेरी ये शीट है, इसमें मेरे पास दो टेबल दी हुई है। पहली टेबल जिसके अंदर मेरे पास ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर मेरे को सिचुएशन दी हुई है। तो पहली सिचुएशन मेरी बोलती है, पुल कोऑर्डिनेटर नेम फॉर बिलो रेफरेंस नंबर फ्रॉम लेफ्ट टेबल, यानी कि इस टेबल से, बाय यूजिंग वी लुकअप। यानी कि हमें कोऑर्डिनेटर का नाम उठाना है किसके बेसिस पर, रेफरेंस नंबर के बेसिस पर, यानी कि इन रेफरेंस नंबर्स के बेसिस पर। तो ये सिचुएशन कैसे टैकल होगी, अगर मैं बोलता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, एंड देन टेबल एरे की अगर बात करें तो टेबल एरे गाइस मेरा यहां से लेके यहां तक ही हो जाएगा, फिक्स इट। एंड देन ये तीसरा कॉलम है, तो थर्ड कॉलम में उठा के इसको एग्जैक्ट मैच के साथ बंद करके एंटर करता हूँ। तो ये बोलता है ABC001 के अगेंस्ट जो कोऑर्डिनेटर है, यानी कि ये रेखा है, तो ये रेखा यहाँ पर फैच आउट होके आ गई है। आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, और जिस जिस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट जो कोऑर्डिनेटर होगा उसका नाम यहाँ पर आ गया है। लेट मी चेक कि ABC005 के अगेंस्ट मारिया है, तो ABC005 के अगेंस्ट मारिया ही है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से 15 नंबर उठा के यहाँ कहीं पेस्ट करके देखता हूँ कि 15 नंबर के अगेंस्ट जया लिखा हुआ है। तो गाइस ये देखिए, जया हो गया। तो इस तरीके से वी लुकअप जो है वो मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। अब सिचुएशन नंबर सेकंड पे आते हैं, ये कहता है पुल सब्जेक्ट नेम फॉर बिलो रेफरेंस नंबर फ्रॉम लेफ्ट टेबल यूजिंग इंडेक्स मैच। अब देखिए यहाँ पर ये सिनेरियो क्या है, कि मुझे रेफरेंस नंबर के बेसिस पर नेम ऑफ द सब्जेक्ट उठाने, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया है कि सब्जेक्ट नेम उठाने, और सब्जेक्ट नेम यानी कि यहाँ पर दिए हुए हैं ये। तो इस केस के अंदर गाइज ये लेफ्ट टू, मतलब राइट टू लेफ्ट चल रहा है आपका फॉर्मूला, तो इस केस के अंदर हमें इंडेक्स मैच का ही यूज करना होता है। तो अगर इन केस मैं बोलता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स कैसे काम करेगा, इंडेक्स यानी कि जो कि टेबल एरे होता है, इसको फिक्स कर दो। देन मैं अपना पहला मैच चलाऊंगा, पहले मैच में ये मुझसे पूछता है लुकअप वैल्यू, यानी कि तेरे पास क्या अवेलेबल है। मैंने बोला मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, और ये जो लुकअप वैल्यू है मेरी, ये मुझे एक पर्टिकुलर लुकअप एरे के अंदर मिलेगी, जो कि मेरा ये लुकअप एरे बनेगा B3 से B49। इसको एग्जैक्ट मैच के साथ बंद कीजिए एंड देन यूज अनदर मैच। अब ये बोलता है कि हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या अवेलेबल है, मैंने बोला मेरे पास ये अवेलेबल है, जो ये हेडर है नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ये मुझे कहां पर मिलेगा, इन हेडर्स के बीच में ही मिलेगा गाइस। इसको बंद कीजिए डबल पैरेंथेसिस के साथ, एंटर मारिए। देखिए मधुसूदन एस करके लिखा हुआ आ रहा है, तो ABC10, मतलब ये जो IDS के अगेंस्ट मधुसूदन ही है। इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो जहां हमने जया किया था ये वाला 15 नंबर, इसको चेक करते हैं, मोहम्मद ये नेसार करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो 15वां नंबर मेरा ये है, इसके अगेंस्ट मोहम्मद नेसार ये। तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व योर फर्स्ट सिचुएशन। अब हम आते हैं गाइस सिचुएशन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कहता है पुल आइटम कॉस्ट यूजिंग सम इफ। तो हमें आइटम कॉस्ट उठाना है, और जो कि क्वेश्चन नंबर टू में, तो क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है, इस टेबल के अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर ऑल ABC आइटम, यानी कि यहाँ पर ABC करके कुछ आइटम्स हैं, इनकी मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है, और यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि रिक्वायर्ड इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखते हैं गाइस, अगर मैं बोलता हूँ
ये मुझसे सबसे पहले पूछता है रेंज क्या है, तो मैंने बोला रेंज मेरी ये है। अब इसने पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमें एबीसी के बेसिस पर निकालना है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एबीसी। नाउ इट्स आस्किंग फॉर सम रेंज, तो सम की रेंज दे दो गाइस, फिक्स इट एज वेल। एंड नाउ इफ यू हिट एंटर, तो दिस इज द सेम वैल्यू विच वॉज रिक्वायर्ड। सेम आई विल डू फॉर दिस टीवाईसी आइटम, तो इसी फॉर्मूले को मैं काम करता हूँ कॉपी करके यहां डाल देता हूँ, एंड आई विल चेंज दिस टू टीवाईसी जीरो। Why it's zero? चलिए इसको दोबारा यूज करते हैं। मैंने बोला सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया में टी वाई एस था, सॉरी उसको मुझे टी वाई सी नहीं टी वाई एस करना चाहिए था। एंड नाउ सम की रेंज हो जाएगी हमारी ये, इसको ही फिक्स करके एंटर कर दीजिए, तो ये दोनों वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू यहां पर आ गई है। थर्ड क्वेश्चन ये मुझसे बोलता है कि कैलकुलेट टोटल आइटम कॉस्टिंग 50,000 एंड अबव। तो यहां पर देखते हैं गाइस, अगर मैं बोलता हूं सम इफ रेंज, क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है, इसके बाद ये बोलता है क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्राइटेरिया है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर या उससे ज्यादा 50,000। एंड लास्टली पूछता सम की रेंज, तो मैंने बोला सम की रेंज हमारी ये है, फिक्स इट, लेट्स चेक, ये सेम वैल्यू आ रही है। अब गाइस देखो यहां पर एक चीज बोली गई है, फिल्टर वैलिडेशन एज वेल। रिक्वायर्ड तो हम लिया है, लेकिन हमें फिल्टर वैलिडेशन भी तो करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, पहले हमने यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट निकाली थी ये वाली, किसके लिए निकाली थी, एबीसी, तो यहाँ पर जो मेरा फिल्टर है वो एबीसी पे लगेगा। और गाइस अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर चेक करता हूँ, तो देखिए एक ये 1,05,000 जो है यही यहाँ पर शो हो रहा है। टी वाई सी के लिए देख लेते हैं यहीं पर ही, तो टी वाई एस सॉरी टी वाई एस के लिए देखते हैं, इन तीनों को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 1,50,600 ये वही वैल्यू है जो इनको चाहिए थी। एंड लास्ट डी जो हमारा ये वाला है 2,77,600 वाला, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मैं फिल्टर अप्लाई करके इस नंबर फिल्टर में जाऊंगा और मैं यहाँ पर चूज करूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप यहाँ पर जाके 50,000 लगा दीजिए और एंटर कीजिए, तो ये वो वैल्यूज हैं जो 50,000 से ज्यादा है उसके बराबर है। तो ये 2,77,600 ही है जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी सेकंड सिचुएशन भी टैकल आउट हो गई है। अब आते हैं थर्ड, राइट अ फॉर्मूला टू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑन क्वेश्चन थ्री। तो क्वेश्चन थ्री में मेरे पास यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, यहाँ पर एक ये सवाल क्या है कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिया गया है, मुझे इनको यहाँ पर पिक करना है। तो कैसे पिक किया जाएगा, अगर मैं बोलता हूं लेफ्ट एंड इसका सिंटैक्स बोलता है टेक्स्ट। गाइस देखो यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं इस आइजैक की बात करूं, आइजैक आइजैक में मेरे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 2, 5। रोजर में मेरे पास यहाँ पर 6 कैरेक्टर है, तो मैं इसको अगर यूं करके 5 करके देख लूं फर्स्ट नेम पे, और अगर इसको ड्रैग करता हूं, तो देखिए मेरे पास ये पूरे पूरे कैरेक्टर्स नहीं आए। इसके लिए तो आपने 5 बिल्कुल उठा लिए, लेकिन व्हाट इफ कि अगर यहाँ पर ये कैरेक्टर ही सिर्फ 3 हो या फिर ये ज्यादा हो, तो उसी हिसाब से 5-5 कैरेक्टर देगा, जो कि स्टैटिक वैल्यू है। मुझे स्टैटिक नहीं, इसको डायनेमिक बनाना है, सो दैट कि यहाँ पर चाहे जितनी मर्जी वैल्यू उठ जाए वो सारी की सारी पिक होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा लेफ्ट, देन रेफरेंस दूंगा इसकी। अब ये मुझसे पूछता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाने हैं, जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले हैं 5 हैं, दूसरे में 6, तीसरे में और ज्यादा, फिर और कम या ज्यादा उठते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करूंगा फाइंड। फाइंड में मैं इसको ये ढूंढूंगा कि पहला स्पेस कहाँ पर है, तो ये फाइंड टेक्स्ट में दे चुका हूँ स्पेस। देन ये पूछता कि किस टेक्स्ट में से ढूंढ रहे हो, मैंने बोला इसी में से ढूंढ रहा हूँ, और इसमें से एक कैरेक्टर उठा लो गाइस, एंटर। ये देखिए आइजैक उठ गया, रोजर एंड मैडोना।
नाउ लास्ट नेम की बात करते हैं, तो लास्ट नेम के केस में हमने राइट साइड से वैल्यू उठानी है, तो मैं बोलता हूँ राइट, ये मेरा क्या बोलते हैं टेक्स्ट वैल्यू मेरी ये है जिसके बेसिस पर मुझे उठाना है। नाउ मैं इसके टोटल लेंथ निकालूंगा गाइस, जितना भी ये वर्ड यहां पर दिया हुआ है, तो लेंथ और इसमें से मैं माइनस कराऊंगा अपना स्पेस, किस टेक्स्ट में से, इसी टेक्स्ट में से, कॉमा 1 प्लस 1। ये देखिए ये न्यूटन आ गए, फेडरर आ गए, सिकोन आ गए। सो दिस इज हाउ यू कैन पिक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एंड अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो ये कहता है फिल्टर रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग एडवांस फिल्टर। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक मेरे पास यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स दिए हुए हैं, अलग अलग क्लाइंट्स हैं, और मुझे इन डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं इनको यहाँ पर यूनिक वैल्यू लेके आनी है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फिल्टर बिलो डेटा फॉर यूनिक रिकॉर्ड्स यूजिंग एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के लिए जो गाइस शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Alt DFA, ये इसकी शॉर्टकट कमांड है। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है कि जहां भी आपका डेटा होगा डेटा पर कर्सर रख के Alt DFA प्रेस कीजिए गाइस, और ये Alt DFA अगर आप प्रेस करते हैं तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ऑल डी एफ ए, तो ये आपकी जो लिस्ट रेंज है इसको पहले से ही, जो आपका डेटाबेस है उसको पहले से सिलेक्ट कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद क्योंकि हमने ये डेटा यहाँ लेके जाना है, तो ये बोलता है कि कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब ये आपसे पूछता है कि क्राइटेरिया रेंज क्या है गाइस, तो क्राइटेरिया रेंज मेरी वही रहेगी, यही वाली सेम। ये कहता है कि इसको कहाँ कॉपी कराना है, तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि इसको हमने E5 सेल में पेस्ट कराना है, तो E5 मेरा यही वाला सेल है, तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके, हम सॉरी क्राइटेरिया रेंज हो जाएगी हमारी ये, एंड देन E5 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है ही, क्योंकि हमें E5 पे लेके जाना है, और क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड लेके जाने, तो आप यूनिक पे क्लिक कर दीजिए एंड देन हिट ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हैं गाइस, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसमें बैंक ऑफ अमेरिका कितनी बार आ रहा है, आईसीआईसी बैंक कितनी बार आ रहा है, जबकि अगर आप इनको चेक करेंगे तो ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही हैं। अगली सिचुएशन पे चलते हैं, क्रिएट अ पिवट टेबल फॉर द प्रोसेस वाइज काउंट। प्रोसेस वाइज काउंट निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस यहाँ पर एक टेबल है जिसमें क्लाइंट, केस नंबर, सब्जेक्ट नेम, अमाउंट एंड प्रोसेस दिया हुआ है। क्रिएट अ पिवट टेबल हियर, एंड मुझे ये जो पिवट टेबल यहाँ पर दिया हुआ है मेरे को निकालना क्या है, क्रिएट अ पिवट टेबल फॉर क्लाइंट प्रोसेस वाइज काउंट, यानी कि मुझे क्लाइंट एंड प्रोसेस वाइज काउंट निकालना है इन दोनों का। तो इस पिवट टेबल को आप ऐसे, मतलब इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा जो भी आपका डेटा है, देन गो टू इंसर्ट पिवट टेबल। पिवट टेबल में जैसे ही आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हो, तो आपको करना क्या है गाइस, ये आपको बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेके जाता है, मतलब न्यू वर्कशीट पे लेके जाता है। अगर आपको एग्जिस्टिंग में ही पिवट टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए लोकेशन, और जहां पर आपको ये पिवट टेबल क्रिएट करना है यहाँ पर रख के मैं बोलता हूँ ओके। यहाँ पर ऑलरेडी डेटा ये कह रहा था, तो गाइस देखो हमारी, हमसे क्या बोला गया था कि मेरे को क्लाइंट और प्रोसेस वाइज काउंट चाहिए था, ओके। ये क्लाइंट का काउंट आ गया गाइस, ये हमारा क्लाइंट का काउंट है, एंड देन ये प्रोसेस वाइज काउंट भी कह रहा था, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन कॉलम में इस प्रोसेस को रख देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे क्लाइंट हैं और ये प्रोसेस वाइज काउंट है इनके, अगर आप देखेंगे तो बैंकरप्सी, फोरक्लोजर, एनएसजे, अगर इनको हम सेंटर पर लाइन कर लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा व्यू देगा। ABC जो हमारा क्लाइंट है, इसके ऐसे ऐसे काउंट आ रहे हैं, टोटल 14 है।
इसके 26 हैं और ये इनका सेग्रीगेशन है ऐसे इस तरीके से, और ये इनका ग्रैंड टोटल है। अगली सिचुएशन पे चलते हैं। पुल इंप्लॉय कोड बाय यूजिंग एच लुकअप ऑन क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि शीट नंबर 6। तो शीट नंबर 6 पे मेरे पास एक ये टेबल है जिसमें मेरे पास रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ रिपोर्ट, देन कोऑर्डिनेटर और ये सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर गाइस मुझे नीचे इस तरीके से दे दिया गया है, रेफरेंस नंबर ऐसे दिया हुआ है वर्टिकल वे में और एम्प्लॉय कोड। अब मुझे ऐसे इस डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लेके आनी है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने बोला एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी गाइस ये है इस टाइम पर। एंड टेबल एरे की बात करूं तो ये मेरा सारा टेबल एरे। नाउ ये मेरे से पूछता है रो इंडेक्स नंबर, तो इसमें से हमने उठाना क्या है, एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड यहां से कौन से नंबर पर पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 करके एग्जैक्ट मैच के साथ बंद कर दो। तो देखिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं दोनों के दोनों सेम है। लास्टली मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन टेबल क्वेश्चन नंबर मतलब शीट नंबर 7 में। तो शीट 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मेरे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन मुझसे क्या बोल रही है, न्यू सैलरी अगर आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,000 होती है तो उसको येलो कर दो। अगर 10,000 से लेके 3,499 के बीच में होती है तो उसको ग्रीन कर दो। मतलब ये रिक्वायर्ड इस तरीके से दिया हुआ है, और लेस देन अगर आपकी इतनी होती है 10,000 तो उसको रेड कर दो। तो एक काम करते हैं गाइस, मैंने सबसे पहले इनका सम कर लेते हैं इन दोनों का, ताकि नई सैलरी हम निकाल सकें। तो ये हमारी नई सैलरी आ गई यहाँ पर। अब इस पे हमने अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी स्टार्ट करनी है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के केस के अंदर मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, मैनेज रूल्स में जाऊंगा, नया रूल क्रिएट करूंगा यहाँ पर, और इस नए रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरी जो सेल वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35,000 होती है तो उस केस के अंदर इसको ये कैसे करेगा, येलो वाला, तो इसको येलो दे देते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट नेक्स्ट रूल मेरे से बोलता है कि 10,000 एक से लेके 3,499, तो मैंने बोला थ्री फोर ट्रिपल नाइन, तो उस केस के अंदर हमने इसको ग्रीन कराना है, तो इसको ग्रीन करा के ओके कर दीजिए, देन ओके। लास्ट रूल पे चलते हैं। लास्ट रूल मेरे से बोलता है लेस देन और इक्वल टू 10,000, तो यहाँ पर इसको 10,000 करा के फॉर्मेट पे जाइए एंड देन रेड, ओके ओके अप्लाई एंड ओके। देखिए इसके अंदर ये मुझसे बोलता है 8,000, अगर ये इसको 8,000 करा, चलिए ठीक है ये यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। हम एक काम करते हैं, इसको अगर मैं रिक्वायर्ड वैल्यू हमने देखनी है, तो अगर मैं इसको 8,000 करता हूँ एंड लेट मी चेक की क्या ये रेड होता है, तो देखिए गाइस ये रेड हो गया, यानी कि सेम आउटपुट ही यहाँ पर आ रहा था, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये थोड़ी सी रॉन्ग थी। एक्चुअल में इन दोनों का जो सम होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने 8,000 डाल दिया होगा, एक्चुअल में इसको होना ये चाहिए 8,000 करने के लिए, इसको अगर मैं बोलता हूँ 6,800, तो ये अब 8,000 कह रहा है इसको। इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, तो ये सम का फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, और ये आपकी जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इसने अपना आउटपुट दे दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस, पुल ग्रेड बाय यूजिंग इफ कंडीशन, आठवां क्वेश्चन है हमारा। तो आठवीं शीट पे चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास कुछ सिचुएशन दी हुई है, ये सिचुएशन क्या है, सेम वैसी सिचुएशन यहां पर भी दे दी है इन्होंने। अगर इंक्रीज जो है 6,000 से ज्यादा है या के बराबर या उससे ज्यादा है तो ए, इन दोनों के बीच में बी, इन दोनों के बीच में सी,
और लेस देन 2000 है तो डी। तो हमने गाइस किसके बेसिस पर चलाना है इसको, इंक्रीज के बेसिस पर रादर देन इसके बेसिस पर, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है इंक्रीज, इंक्रीज के बेसिस पर हमने चलाना है। तो यहां पर ग्रेड लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला इफ ये जो मेरी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6000 है तो उस केस के अंदर गाइस क्या होना चाहिए, उस केस के अंदर तो ए बोलना चाहिए। अगली सिचुएशन मेरी इफ एंड में फॉल कर रही है, तो मैं बोलता हूं कि क्या ये जो वैल्यू है मेरी T10 की, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000 है, या फिर इसी D10 की वैल्यू मेरी लेस देन 6000 है, क्योंकि वहां पर 5999 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको 6000 लेके चलना पड़ेगा गाइस। तो केस के अंदर ये इसको क्या बोलना चाहिए, इसको B बोलना चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर एक इफ की कंडीशन तीसरी वाली लगेगी, मैं बोलता हूँ इफ वही D10 की जो हमारी वैल्यू है, क्या ये मेरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 है, या D10 की जो वैल्यू है ये लेस देन 4000 है, तो उस केस के अंदर गाइस ये इसको क्या बोलेगा, सी, और बाकी फॉल्स के केस में। तो देखते हैं गाइस, अब यहां पर हमारा, हमें देखना होगा कि हमारा फॉर्मूला कहां पर सही से वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि यहां पर मैंने एंड की कंडीशन नहीं लगाई थी, इसलिए दिक्कत दे रहा है। तो देखिए ये इसको डी बोल रहा है क्योंकि 1000 है। तो रिक्वायर्ड देखते हैं गाइस, क्या ये रिक्वायर्ड यही आ रहा है हमारा। तो अगर मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ और इधर एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि क्या ये इसके बराबर है, तो ये सारा ही ट्रू होना चाहिए। तो देखिए सारा ट्रू है गाइस, तो ये हमारी सिचुएशन इस तरीके से काम कर रही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने लास्ट में ये लेस देन वाली कंडीशन क्यों नहीं दी, क्योंकि लेस देन 2000 की कंडीशन हमारी लास्ट की कंडीशन है। तो लास्ट की जब भी आपके पास कंडीशन आएगी गाइस, उसको आप फॉल्स में डाल सकते हैं, क्योंकि जो इफ का हमारा सिंटैक्स होता है वो क्या बोलता है, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर आपके पास इस तरीके की चार सिचुएशनें दी हुई हैं, तो तीन सिचुएशन को तो आप ट्रू में मेंशन करा दो, और लास्ट की सिचुएशन को अगर आप फॉल्स में मेंशन कराते हो तो कभी भी आपको एरर नहीं आएगा, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए वीडियो थोड़ी सी ट्रिकी, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ट्रिकी जरूर है, लेकिन अगर आप इनको तरीके से करेंगे, समझ के करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इसको आप कीजिएगा, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इस वर्कबुक को डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इसको डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर मैं दो दो वर्कबुक आप लोगों के लिए डालूंगा, एक सॉल्व होगी एक अनसॉल्व होगी। तो सॉल्व वाली तो आपके रेफरेंस के लिए होगी, उसको आप देख के सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कीजिएगा, और जो अनसॉल्व होगी उसमें आपने अपने आप करना है इस चीज को। तो इस चीज का रेफरेंस लेके आप इस काम को कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।